हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज है नवरात्रि का डे 5 और अगेन हम जा रहे हैं फाल्गुनी पाठक के कॉन्सर्ट में। हम जब लास्ट टाइम गए थे तो हमें बहुत मज़ा आया था और इस बार मैंने मेरे फ्रेंड मंथन को पहले ही बोल दिया कि वहाँ पे जाके टिकट ले लेना, क्योंकि वहाँ पे पासेस के बहुत प्रॉब्लम होते हैं। हम लोग जब लेट जाते हैं ना तो बोलो हम लोग को ब्लैक में बहुत महंगे में बेचते, तो इससे अच्छा है कि मैंने मेरे फ्रेंड को पहले ही बोल दिया। तो अभी यहाँ से हम लोग चलते हैं। तो हम लोग जब डे 1 पे यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक मोमोज वाली आंटी थी, तो हम लोग ने वहाँ पे मोमोज खाए थे और मैं बोलने जा रहा था आंटी को कि आपके मोमोज बहुत टेस्टी है, बट मैंने गलती से बोल दिया आंटी बहुत टेस्टी है। तो आंटी मुझे ऐसा घूर घूर के देखने लग गई सच में। मेरा फ्रेंड बोलता है कि हम लोग को जरूर मास्क दिलाएगा। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और देखते हैं हमें मास्क कैसे मिलता है और कितने प्राइस में मिलता है। डे 1 में तो हम लोग को बहुत प्रॉब्लम मिलती है, बट इस बार देखते हैं शायद हम लोग को थोड़ा सस्ते में मिलेगा। और हमें पूरी सेम वाइब आ रही है लास्ट टाइम की तरह, बहुत मजा आने वाला है आज भी। हम लोग हमारे फ्रेंड मंथन को पहले ही भेज देते पास के लिए, क्योंकि हम लोग को पता रहता है कि हम लोग को होएगा लेट और आज भी लेट हो गया है। और फाल्गुनी पाठक मैम पहले से आ चुकी है, सब साथ हो गया, चलते हैं अंदर फटाफट। मंथन पास मिल गया? हाँ मिल गया। कितने रुपए में मिला? 500 रुपए में सिंगल। ये देखो भाई, ये पास लेके हम लोग कब से भटक रहे थे। तो अभी हम लोग अंदर एंट्री कर रहे और यहाँ पे भी लाइन लगी है। हम और लाइन में थोड़ा सा वेट करेंगे, बट हम लोग लाइन तोड़ के भी जा सकते हैं, तो सबसे बेस्ट है कि हम लाइन तोड़ के चले जाए। और उस तरफ क्राउड है, बट ये भैया ने हम लोग को VIP एंट्री करा दिया है। तो मैं जब पहले फाल्गुनी पाठक मैम पे गाने सुनता था तो मैं सोचता था कि एक सिंगर है, बट जब इनको रियल लाइफ में देखा मैंने सिंगिंग करते हुए, तब से मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। भाई पिता जी, सबसे पहले इनको मैंने फॉलो किया और तब से इनके सॉन्ग सुना, मतलब अलग ही क्रेज है इनका यहाँ पे। अरे मंथन, हेयर स्टाइल तो भैया मिलके बोलते हुए हेयर स्टाइल अच्छे है, वीडियो कॉल पे दिखा रहे हैं। तो गाइस आज भी हम लोग को बहुत मजा आने वाला है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और आज मैं मेरे फ्रेंड को मिस कर रहा हूँ, वो एक प्रिंस, क्योंकि वो इस बार हमारे साथ आ नहीं पाया, तो मैं उसको बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बगैर मैं कहीं जाता ही नहीं। हमारी फ्रेंडशिप 10 साल के ऊपर की, मतलब यश हो गया, मैं हो गया, कार्तिक, हम लोग 10 साल के ऊपर की फ्रेंडशिप है। तो अगर कोई भी एक नहीं आता है ना तो मुझे बहुत दुख होता है, बट इसको नेक्स्ट टाइम हम लोग जरूर पकड़ के लाएंगे। लास्ट डे पे जो हम लोग कहीं के आएंगे। सो हम अंदर आ गए हैं और अभी हम लोग सबसे पहले अंदर जाके देवी माँ के दर्शन करते हैं। वैसे उनका रोज कॉस्ट्यूम चेंज होता है, क्योंकि डे वाइज होता है। यहाँ पे अगर आप लोग आओगे तो अपने साथ पानी का बोतल कैरी जरूर करना, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो आप लोगों को सफोकेशन भी हो सकता है। और यहाँ पे कैसा है, मतलब आप लोगों को पानी का बोतल तो मिलेगा, बट ये लोग बहुत ज़्यादा प्राइस में बोलते हैं। 20 रुपये की बोतल आपको जो बाहर मिलेगी यहाँ पे 60-70 रुपये में ये लोग देंगे, तो इससे बेटर है कि आप लोग पानी का बोतल अपने साथ में लेके आओ, क्योंकि छोटे बच्चे लोग भी रहते तो वो लोग को मतलब सफोकेशन होने लगता है, मुझे कुछ तो होता है। तो मैं आप लोग को एडवाइस दूंगा कि कैरी करके लाओ, थोड़े बहुत खाने के सामान भी लेके आ जाओ, मतलब ठेटा ही बना दो पूरा, तो आ जाओ आप लोग। तो चलते हैं वहाँ पे, अपना दर्शन कर ले। वैसे डेकोरेशन तो बहुत ब्यूटीफुल है, हमने लास्ट टाइम देखा था, बट इस बार अगेन जाके हम देखते हैं और दर्शन कर लेते हैं, और मैं लास्ट में भी यहाँ पे आऊंगा। तो अभी हम लोग ऊपर जा रहे दर्शन करने के लिए। तो ये देखो, उस दिन से भी बहुत ब्यूटीफुल लगे। उस दिन कौन से कॉस्ट्यूम पहने थे याद नहीं है मुझे, बट आज येलो पहने। और इनका डेकोरेशन तो हमने लास्ट टाइम देखा ही था, सेम क्राउड है। मुझे लग रहा है कि लास्ट टाइम से भी ज़्यादा क्राउड है, मतलब हमें लास्ट टाइम से भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है इस बार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाल्गुनी पाठक मैम के कॉन्सर्ट के, इधर उनके सॉन्ग सुनेंगे और आज वो डिफरेंट सॉन्ग्स गाएंगे, मतलब वो 9 दिन अलग अलग गाने गाते हैं, रिपीट नहीं करते, तो बहुत मज़ा आएगा। और पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि जैसे ही वो गाना स्टार्ट करते ऑटोमेटिक सबके पैर ऑटोमेटिक डांस करने लगते, पता नहीं क्यों। बट यहाँ पे आने के बाद जो एनवायरनमेंट है ना, मतलब एक अलग ही एनर्जी फील करने मिलेगी आप लोग। तो वैसे मैं इतना आता नहीं हूँ जल्दी, बट पता नहीं क्यों मैं जब फर्स्ट टाइम आया तो मेरा अगेन यहाँ पे आने का बहुत दिल किया, तो मैं चुपचाप चले आया। ऐसी पहली नवरात्रि मेरी जा रही है इतनी मस्त वाली। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पीछे खड़े, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे। तो
जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10 बजे कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है, तो अभी 10 बज गए तो हम लोग घर पे जा रहे हैं। और आप लोग यहाँ पे आओ, एक बार फारूडी पाठक मैम के गाने सुनो, मतलब सीधा दिल को छू जाते हैं। सच में मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो इनका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। और मैं एक और बार यहाँ पे आऊँगा लास्ट डे पे भी, क्योंकि मुझे यहाँ पे अलग ही मज़ा आ रहा है। सच में मुझे इतना मज़ा आता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है कहीं कॉन्सर्ट वगैरह में जाने में। तो होप अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, ये मेरी आईडी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बाय।